जिलों को का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिजनौर, मेरठ और मुजफ्फरनगर का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री। तीनों जिलों में जनसभाएं करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। वहीं सुबह 11 बजे बिजनौर में जनसभा करते हुए नजर आएंगे और दोपहर 1 बजे बुढ़ाना में जनसभा को संबोधित करेंगे। इसी के साथ दोपहर 2 बजे खतौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा करेंगे और दोपहर 3 बजे मेरठ दक्षिण विधानसभा में रैली करेंगे। तो चुनाव नजदीक है और ऐसे में मुख्यमंत्री खुद चुनावी मोर्चे पर है और आज तीन जिलों में जनसभाएं करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ नजर आने वाले हैं। चुनावी हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री नजर आएंगे। सुबह 11 बजे बिजनौर में जनसभा करेंगे और दोपहर 1 बजे बुढ़ाना में जनसभा करते हुए नजर आएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि दोपहर 2 बजे खतौली में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे। इस दौरान वो बीजेपी के पक्ष में वोट करने की अपील लोगों से करते हुए नजर आएंगे। दोपहर 3 बजे मेरठ दक्षिण विधानसभा में रैली करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो चुनावी हुंकार भरते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में चुनावी मोर्चे को संभाले हुए हैं, क्योंकि अब बेहद नजदीक उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और इसी को लेकर बीजेपी के जो स्टार प्रचारक है वो जनता को संबोधित कर रहे हैं, चुनावी रैलियां निकाल रहे हैं। और आज तीन जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। बिजनौर, मेरठ और मुजफ्फरपुर में ये रैली करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। तीनों जिलों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ सुबह 11 बजे बिजनौर में जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी के साथ आपको बता दें दोपहर 1 बजे बुढ़ाना में भी जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम नजर आएंगे। दोपहर 2 बजे खतौली में मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे और इसी के साथ दोपहर 3 बजे मेरठ दक्षिण विधानसभा में भी जनसभा को संबोधित करेंगे। आज तीन जिलों के दौरे पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ निकले हैं। चुनाव अब बेहद करीब है और ऐसे में बीजेपी जमीनी स्तर पर वोट बैंक को साधने की पूरी कोशिश कर रही है। सभी स्टार प्रचारक मैदान में उतरे हैं और चुनावी हुंकार भरते हुए नजर आ रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उत्तर प्रदेश में एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। दोपहर 3 बजे मेरठ दक्षिण विधानसभा में रैली करेंगे। आज तीन जिलों का दौरा करेंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। उत्तर प्रदेश में सभी वर्ग के लोगों को साधने की पूरी कोशिश बीजेपी की तरफ से देखी जा रही है, क्योंकि अब चुनाव बेहद नजदीक है और इसी बीच आरोप प्रत्यारोप का भी दौर जारी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई है, सुरक्षा के चाक चौबंद कर दिए गए हैं और साथ ही साथ आपको बता दें कि तमाम जो बीजेपी कार्यकर्ता है उनमें उत्साह देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस दौरे को लेकर तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। इस दौरान आपको बता दें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित करेंगे और बीजेपी के पक्ष में वोट की अपील करते हुए नजर आएंगे। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चुनावी हुंकार भरते हुए आज उत्तर प्रदेश के तीन जिलों में नजर आने वाले हैं और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ बिजनौर से हमारे संवाददाता दानिश मिर्जा और मेरठ से अरुण सागर हमारे साथ जुड़ गए हैं। दानिश, सबसे पहले सवाल आपसे लूंगी, जिस तरीके से खुद प्रधानमंत्री हो या फिर मुख्यमंत्री हो चुनावी मोर्चे पर नजर आ रहे हैं, विधानसभा चुनाव में इसका कैसा असर देखने को मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, मैं आपको बताता चलूं, ये जो चुनावी आज सभा है ये बहुत कारगर साबित होने वाली है बीजेपी के लिए। कहीं ना कहीं दोनों मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री अपने कार्यकर्ताओं और अपने मतदाताओं को कोई मंत्र देके जाना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं में जोश भर के जाना चाहते हैं, कार्यकर्ताओं में उत्साह भर के जाना चाहते हैं और बिजनौर की 8 विधानसभाओं पर बीजेपी जीत का परचम लहराना चाहती है। जी बिल्कुल, और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के किस तरीके से चाक चौबंद किए गए हैं, क्योंकि कोरोना काल भी है और ऐसे में कोरोना के केसेस देखने को मिल रहे हैं, सुरक्षा की व्यवस्था किस तरीके से किए गए हैं वहां पर? देखिए बिल्कुल, अगर कोरोना गाइडलाइन की बात करें तो यहां पर 1000 कार्यकर्ताओं को ही इकट्ठा किया गया है इस जनसभा में और वो जो है उनमें उत्साह भरने की कहीं ना कहीं बात की जा रही है। सुरक्षा के नजरिए से अगर हम बात करें तो यहाँ पर जो है लगातार अधिकारी कैंपेन करे हुए हैं, एसपीजी लगातार कैंपेन करे हुए हैं और सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। जी बिल्कुल, अरुण सागर भी हमारे साथ, हमारे संवाददाता मेरठ से जुड़े हुए हैं। किस तरीके से वहां पर बीजेपी के कार्यकर्ताओं में और स्थानीय लोगों में जोश देखने को मिल रहा है?
बीजेपी कार्यकर्ताओं के अंदर जो है वो जोश जो है उत्साह जो है वो उबाले मार रहा है। ये सभा अम्बेडकर पार्क में होगी और इसकी जिम्मेदारी जो मल्याना मंडल के जिम्मेदार व्यक्ति हैं मनीष प्रजापति जी हैं आज उनके पास है। अगर मैं बात करूं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की तो वो एक प्रभावी चेहरा है, इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता। ये उनकी आप तीसरी सभा है। जी जी शिवानी बिल्कुल अरुण, और इस दौरान विपक्षी पार्टियों पर भी आरोप प्रत्यारोप का दौर देखने को मिल रहा है। क्या कुछ विपक्षी पार्टियों का रिएक्शन है, क्योंकि खुद सीएम भी चुनावी मोर्चे पर हैं और 3 जिलों का आज दौरा करेंगे। जी बिल्कुल, इसमें कोई दोराय नहीं है। अगर मैं विपक्षी पार्टियों के दो आरोप प्रत्यारोप की बातें करूं तो देखिए ये एक सामान्य बात होती है। अगर दो व्यक्ति, ये समीकरण भी इसी तरीके का होता है कि अगर दो व्यक्ति आमने सामने होते हैं तो अपनी अच्छाइयां कम और दूसरे की जो बुराइयां हैं उनको थोड़ा सा प्रकाश में लाने की ज्यादा प्रयास किया जाता है। जी शिवानी, और दोपहर 3 बजे ये भी खबर आ रही है अरुण की मेरठ में दक्षिण विधानसभा में रैली करते हुए नजर आएंगे, वहां पर किस तरीके का माहौल बीजेपी के पक्ष में बनता हुआ दिख रहा है। फर्स्ट क्लास माहौल है मेरठ में, जो 7 विधानसभा है उस पर माहौल बन चुका है। अब सिर्फ ये देखना है कि जो सुगंध है वो किस तरफ जाएगी। और अगर बात करें जो आज रैली स्थल है, ये वोटिंग से पहले जो सीएम योगी आदित्यनाथ है उनकी तीसरी बार उनका यहाँ पर आना हो रहा है और ये उनका कन्वेंसिंग के लिए ये उनका शायद अंतिम होगा और इसके बाद सीधे मतदान ही होगा। वहाँ पर बड़ा जज्बा है लोगों के अंदर, सवेरे से भीड़ जुटना शुरू हो गई है। प्रशासन पुलिस की बात करें तो सभी तैयारियां जो हैं बिल्कुल तरीके से कर दी गई है। पूरा जो ग्राउंड है उसे ट्रैक कर लिया गया है, चारों तरफ व्यवस्थाएं जो हैं वो बिल्कुल चाक चौबंद है। चलिए, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया अरुण सागर, हमारे साथ हमारे संवाददाता जुड़े हुए थे। उन्होंने बताया मेरठ में किस तरीके से आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दौरे को लेकर चाक चौबंद किया गया है, वहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं में किस तरीके से उत्साह देखने को मिल रहा है।